मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जगवेरी मैं कली बुला बुला सारे गांव वालों को सारी माली को सरकार सुलेखा मुझसे घबराने की जरूरत नहीं हम दर्द हूं मैं तुम्हारा बात हो गई इस मजलूम की दिलजोई बस करें आ जाओ बीबी सरकार वो खैर तो है कौन सी आफत आ गई जो बावली गाय की तरह भागे फिर रही है कुत्ते तो नहीं लगे पीछे तेरे जी वो सुल्तान सरकार आ गए मैं नीचे जा रही हूं आप भी जल्दी से आ जाएं। चलो भाई जी कहाँ है जी वो जुलेखा बीबी के सराहने बैठे उनकी खिदमत कर रहे हैं कहा भी था कि दफा मारे उस बेहया को मगर लगता है कोई चांद चढ़ा कर ही रहेंगे भाई जी चलो अंधेरा है अंधेरा अंधेरा अब क्या हो गया बागा फिर कोई पटाखा बजा क्या नहीं जिस वक्त मैं आई उस वक्त तो सारी खैर सला थी ऐसा क्या हो गया भागा जो तेरी सांस चढ़ गई अब मुझसे बातें ना करो अपना अपना काम करो बस बता ना मासी क्या हुआ मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है अब बता भी दे तुझे रब का वास्ता वो बता भी दे माड़ी की बीबी सी आपको ताजी खबर निकाल भी दे ये मलिक जवेद है ना जुलेखा से निकाह करके ही रहेगा और आते ही उसके गोडे से लग के बैठ गया हाँ हाय ये क्या कह रही है भागा चंदन बीबी अब क्या करेगी और मुझे क्या पता क्या करेगी पराठा डाल के दे अंधेर है अंधेर कब आए जी मैं कल शाम को आ गया लेकिन वो आपकी गैर मौजूदगी में जो कुछ देखा वो क्या बात है चुप क्यों कर बता देना जावेद भाई शर्मा क्यों रहे हैं दरअसल चाचा सरकार इन्हें आपके बगैर माड़ी बहुत सोनी लग रही थी कह रहे थे कि बस मैं वापस जाने लगा हूं चाचा सरकार के बगैर यहां मेरा दिल नहीं लगता बड़ी मुश्किल से रोका है इन्हें
चाचा सरकार वो पपी सरकार की वजह से रुक गई है, आना तो चाह रही थी लेकिन नहीं। भिजवा दो अब हमारी बहन को यहाँ वापस, माड़ी में दिल नहीं लगता उसके बाहर। जी चाचा सरकार जरूर। कहाँ है वो लड़की? अपने कमरे में होगी। खाना खा ले तो उसको बुलवाना, बात करनी है मुझे। जी निशादो, अब क्या होगा? सरकार देखेंगे तो पूछेंगे नहीं उसके पति से? उसका सारा चेहरा तो जख्मों से भरा हुआ है। ये चोटें कैसे लगी? ये जख्म कहां से आए? क्या ख्याल है तेरा? वो तो फट से बता देगी सरकार को। देखा नहीं था कल सरकार को उसने कितनी आवाजें दी थी। हाय रब्बा, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अगर सरकार ने हमसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे हम लोग। नहीं मासी, तू ही बता क्या बोलेंगे हम लोग। नहीं परे दफा होनी, तुझे क्या बताऊं मैं, मुझे खुद अपनी पड़ी है। मैं तो ये सोच लूं सरकार ने अगर पूछा कि जुलेखा पे जिस वक्त ज्यादती हो रही थी तू कहां थी दारू, मैं क्या जवाब दूंगी। रब्बा खैर करे, मैं तो अंदर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि चाचा सरकार को पता चल गया। अब तो वो सिर्फ लड़की को देखकर तस्दीक करना चाहते हैं। ऐसा तो ना कहें भाई जी, भला उन्हें कैसे चल सकता है पता? माड़ी की दीवारें तो बोलकर बताने से रही ना उन्हें। दीवारों ने नहीं, इसके अंदाज ने बताया होगा उन्हें। अगर ऐसी बात होती ना तो अब तक कचहरी लग चुकी होती तुम्हारी। तख्त सुल्तान में तुम मुल्जम बने, सर झुकाए उनके सामने खड़े होते, ना कि यहां खड़े होकर तुम मेरी टांग खींच रहे होते। इससे बेहतर तो यह था कि मैं चाचा सरकार के सामने अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर रख देता, पर नहीं, मेरी बहन ने वास्ते डालकर मेरी जुबान पर ताले लगा। दा का वास्ता है, आप दोनों तो लड़ना बंद करें और जो मुसीबत हमारे सर पर आ गई है उसे टालने की कोई तरकीब सोचें। बताओ अपने इस शोहर को जो बकरी का शिकार करके समझता है कि उसने शेर मार गिरा है। चाहे तो अपनी जबान बंद कर ले वरना। आप दोनों चुप कर जाएं। करने दे मुझे कुछ। अच्छा, बहुत अच्छा है। हम भी तो देखें कि हमारी बहन क्या सोचना चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन जो भी करना है वो जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि चाचा सरकार वो कर जाए जिसके बारे में सोच सोच कर मेरे चिर दिल बहनोई का पसीना छूटता।
तरह बैलगाड़ी लगती। वकील साहब से पूछा है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए? सरकार वकील साहब बखूबी पहुंचे हैं, भारत लाएंगे फोन पे। जा जाकर दो बहुरानी से पूछ के वो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई। सुन, खुद जाके ले यार। कान खोलकर सुन ले, अगर माड़ी में रहना चाहती है तो कल का वाकया भूल जा। कल तू माड़ी की सीढ़ियों से गिर गई थी, तुझे चोटें लगी थी, छोटे सरकार ने डॉक्टर बुलवाया था तेरी मरहम पट्टी के लिए। और अब इस वक्त तुझे बुखार है, इसलिए सरकार के सामने नहीं जा सकती। अब उस वक्त जाएगी जब बुखार उतर जाएगा। और बुखार कब उतरेगा इसका फैसला मैं करूंगी, समझ गई ना? खैरियत मीरमन, माड़ी के अंदर के इलाके में तू कैसे आ गया? ओ, बेबी, गोला सरकार के हुक्म से आया। हुक्म? कैसा हुक्म? वो सरकार ने लड़की को लाने का हुक्म दिया है, वो भी अपने साथ लाने को। अच्छा है तू आ गया, मैं चाचा सरकार के पास ही जाने वाली, उन्हें बता दे कि लड़की को तेज बुखार, डॉक्टर अभी अभी देखकर गया है। वैसे बड़ी है शोधी, जैसे ही बुखार उतरेगा बात भरी उसे चाचा सरकार के सामने हाजिर कर दे। जी बेबी सरकार। तेरी चीखों की आवाज आज माड़ी की दीवारों में तफन होकर रहेगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। सरकार निकल यहां से। अरे सरकार चले गए शहर, कोई सुनने वाला नहीं तुझे। जब वो वापस आएंगे तो कह देंगे भाग गई अपने किसी और यार के साथ। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कढ़े आवे मैं बड़े आई चावा नाल। आंदा तेरे लई ह
रेशमी रुमाल आंदा तेरे ले। क्या गाती है तू, वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। शुक्र है सरकार ने पूछ पड़त नहीं की। सच कह रही है दारा, अगर सरकार आज पूछ लेते ना तो किसी का कख नहीं रहना था। मत पूछ वीरा, बड़ी दुआएं की हैं। अच्छा रोटी तो दे दे, बड़ी भूख लगी है। तो हौसला कर, देता हूँ रोटी भी, सबर कर थोड़ा। चाचा मेरी तो भूख ही मर गई थी, तौबा तौबा, लगता था आज किसी के बल्ले कुछ रहेगा ही नहीं। माड़ी की बेगम को खाना दे दिया चाचा बख्शा। और बंद करो ये शोर शराबा, बताया अंदर हंगामा हो गया है। बुखार है उसे, कोई सरसाम नहीं है कि वो चल के हमारे पास आ नहीं सकती है। जा जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ के ला उसे यहां। और सुन, बहू रानी से कह देना कि हमारे मामले में मत बोलो, हमें हमारा काम करने दे। बीबी सरकार, बाहर मीर मंगाया है। अब क्या हो गया? बड़े सरकार का हुक्म है कि लड़की को फौरन हाजिर किया जाए। क्या है, दोबारा क्यों नाजिल हो गया? लगता है तूने भी माड़ी के अंदर की राह ही पकड़ ली है। सरकार ने लड़की को फॉर्म पेश करने का हुक्म दिया, इजाजत मांगने आया था जी। अच्छा, और अगर इजाजत ना दूं तो? फिर भी हुक्म पे चलूंगा सरकार, शरीफ पर रहम करे, लड़की मेरे वाले कर दे। आप तो जानती है बड़े सरकार बहुत गुस्से में, अगर लड़की ना गई तो। लड़की तो तेरे साथ नहीं जाएगी।